इस हुसैन जयपुर टीम की ओर से दिल्ली बाईपास ईदगाह कच्ची बस्ती में आंगनबाड़ी के बच्चों को दो स्वेटर बांटे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी आमिर सौरभ तिवारी रहे। जयपुर टीम की कनीज हैदर ने मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर कुछ लिटरेचर भी दिए। नावेद पंजतन ने एसीपी को शॉल उड़ाया। एसीपी सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि हु इज हुसैन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है इंसानियत के लिए काम करती है। ईदगाह कच्ची बस्ती में आंगनबाड़ी में संस्था की ओर से बच्चों को स्वेटर बांटे गए। मेंबर कनीज हैदर रिजवी ने बताया कि हु इज हुसैन समय समय पर सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर करता रहा है। पिछले दिनों रक्तदान शिविर लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। सर्दी के मौसम में गरीब बच्चों को करीब 60 स्वेटर बांटे और आगे भी जारी रहेंगे। नावेद ने कहा कि अभी हाल ही में कुष्ठ आश्रम में संस्था के मेंबर्स वहां जाकर लोगों के साथ दिवाली मनाई और बच्चों महिलाओं को नए कपड़े बांटे। कार्यक्रम में हु इज हुसैन टीम के मेंबर अकमल अब्बास व आंगनबाड़ी के जिम्मेदार इशरत सीमा माहूर और रहमत बी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। हुई हुसैन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके माध्यम से बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मैं मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए देने के लिए आया था। और ये ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे करबला इलाके में और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसमें अच्छा काम करके गरीब बच्चे हैं उनको स्वेटर वितरण का कार्यक्रम है, चप्पल वितरण का है, भोजन वितरण का, ये सारे कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसलिए मेरा ये आना हुआ और मैंने उनके साथ शरीक हुआ कार्यक्रम। और हम लोग यहाँ पर आज ईदगाह कच्ची बस्ती में आए हुए हैं आंगनबाड़ी में। 60 बच्चों को हमने स्वेटर दिया क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उन्हें बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैक्सिमम इनकी एज 6 साल है, तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हुई हुसैन ने ये तय किया कि हम इन छोटे बच्चों को गर्म कपड़े दें ताकि आने वाली ठंड, अभी ठंड हल्की हल्की शुरू ही हुई है, तो उससे बच सकें ये लोग ठंड से। और हुई हुसैन हमेशा इस तरह के काम करता ही रहता है। हम यहाँ 2017 से काम कर रहे हैं और लगातार ये हमारा एनुअल ड्राइव है इसका, स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन का। हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, रात में जब सब लोग सो चुके होते हैं तब हम निकलते हैं और जहाँ कहीं पे भी कोई हमको दिखता है बिना उन्हीं कपड़ों के कंबल के, हम उसको धीरे से जाकर उड़ा देते हैं। उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके ऊपर कुछ उड़ाया गया है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो इसी तरह के हम अभी हम लोगों ने कुष्ठ आश्रम गए थे, वहाँ दीपावली मनाई, उन लोगों को साड़ियाँ दी, कपड़े दिए और दिए जलाए, मतलब हर तरह के ओकेजन में हम सबके साथ होते हैं, हम देशवासियों के साथ होते हैं। अगर कोई परेशानी आती है कोविड में, जैसे पैंडेमिक में हमने बहुत लोगों को राशन दिया, हाइजीन किट्स दी, तो बहुत इस तरह के हम लोगों ने पैंडेमिक में पानी बांटा, तो बहुत इस तरह के काम हम लोग करते आते हैं। जो भी हमें लगता है जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम जाते हैं। और आज का जो इवेंट था उसके लिए मैं एसीपी अब तिवारी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आज वो हुई हुसैन का पार्ट बने इस इवेंट में और उन्होंने आके खुद अपने हाथों से कुछ स्वेटर्स भी बच्चों को दिए। हमें बहुत अच्छा लगा, हम उनका तहे दिल से हुई हुसैन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सुहूस हुसैन की तरफ से आज हम आंगनबाड़ी में आए हैं ईदगाह कच्ची बस्ती में, जहाँ पे हमने स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं बच्चों को। तो आपको पता ही, जैसे सर्दियाँ अब शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, तो बच्चों को इसकी नीड होती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया नहीं हो पाती हैं। सो समबडी हैज़ टू कम अप एंड समबडी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू ड्राइव दिस। सो बीइंग इन सुहूस हुसैन, हमने ये इनिशिएटिव लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये लिया है। क्या क्या करती हुई हुसैन? सो हुई हुसैन बेसिकली हर चीज़ में है, जैसे कि अभी हमने 2-2.5 महीने पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था, उससे पहले हमने दिवाली वाले दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया था और आज हम ये कर रहे हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पे एसीपी सौरभ तिवारी आमिर भी आए थे, सो उन्होंने भी यहाँ पर बच्चों से गुफ्तगू की, बच्चों को स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो हम उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवेद पंजाबी।
Thank you.